अस्सलामुअलैकुम भाई लोग, कैसे हैं आप लोग पूरे? एक बहुत ज़रूरी वजह है जिसके लिए चौकन्ना करने के लिए आपको ये वीडियो मैसेज भेज रहा हूँ। बात यह है कि फी अलहाल अभी कल का आपको हाल बता रहा कि हैदराबाद में कोरोना फट चुका है। हॉस्पिटलों का ये हाल है कि जो कैजुअल्टी के बेड्स है, पेशेंट आके उसमें सांस की तकलीफ से पड़ गए हैं, ऑक्सीजन लगा के हटा नहीं सक रहे, हटा रहे तो सांस नहीं ले सक रहे, और बाहर व्हील चेयरों में पेशेंट ना सांस की कमी से पड़ जा रहे हैं नीचे। उसके बाद गाड़ियों में पेशेंट ना रुके हुए हैं, और थोड़े दिनों में जैसा जैसा ये गाड़ियां बढ़ते जाएंगे, गाड़ियां रोडों तक आ जाएंगी, शायद जब कुछ हुकूमत करे, लेकिन अपने को उसके लिए ठहरना नहीं, अपने को अपना एहतियात करना। एहतियात क्या करना है? घर में जो भी गैर लोग आ रहे उनको बंद कर दीजिए, ज़्यादा दिन नहीं, सिर्फ 2 हफ्ते, बस ये 2 हफ्ते में पूरा एक्सप्लोड हो जाने वाला है। 2 हफ्ते घर में आपके जो भी गैर आ रहे, चाहे वो नौकरानी रहो, सिर्फ बर्तन धोती हो ने, सिर्फ सालन बनाती हो, नक्को साथ उठो, बोलो तशरीफ उठाओ, बर्तन धो, सालन बनाओ, कुछ नहीं होता, खारा खा लेंगे, फिक्का खा लेंगे, तकलीफ उठा लेंगे। 2 हफ्ते साथ, इतना बड़ा ये कि कम्युनिटी लेवल पे आ चुका है स्प्रेड, यानी हर एक को जैसा सर्दी जुकाम लगती वैसा फैल रहा है, इसको नहीं रोक सक रहे, रुकना नहीं वाला है। इवेंचुअली 80-90% को जब हो जाएंगे, जब खुद ब खुद कंट्रोल होगा, वो 80-90 में अपन नहीं आना, इसका एहतियात कर लेना, समझ रहे? और सबसे बेइंतहा अफसोस की बात, अफसोस की बात, उठा के आप कोई भी हॉस्पिटल की सेंसेस उठा लो या कैजुअलिटी में पड़े हुए पेशेंट देख लो, 99% अपने में आए। क्या है तखीदा था उन लोगों का कि बस हुकूमत जो बोली सुनना नहीं है, कोई भी मास्क पहन रहा तो हौला, समझे, कोई एहतियात कर तो चूतिया, ये इनकी खोपड़ी है, ये बदल नहीं सकते, अपन एहतियात करना है, अपने को हौला रहना है, अपने चुटी रहना, हौले चुटी और सेहतमंद रहना है। अपने घर में ज़यीफ़ लोग हैं, अपने घर में बूढ़े लोग, सबकी सेहत, बच्चे हैं, सबका ख्याल रख लेते हुए बिल्कुल एहतियात, मास्क लगा के, हाथ में जेब में सैनिटाइज़र रख ले के, किसी से हाथ मिलाने की ज़रूरत नहीं, कहीं भी गए तो ये एहतियात कर लेना कि अपना हाथ कहाँ लग रहा, मुँह को हाथ नहीं लगाना, जितने बार हो सके वजू के साथ मुँह को साबुन से अच्छा लगाना, हाथ को लगाना, ये करना है एहतियात बस। जो लोग ज़रा भी शको शुबा दूर, दावतों से दूर, महफिलों से दूर, समझे, ग्रुप कहीं भी जहाँ पे भी कंस्ट्रेंट्स है, यानी बंद कमरा है, उधर 10-20 मिनट से बैठने की कोशिश मत करिए, किसी वजह से भी बाहर निकल जाए, समझे आप, मास्क पहनने के बावजूद, ये सब चीज़ों का एहतियात करें, इंशाल्लाह अपना ख़ानदान महफूज रहेगा, समझे ना, आले अब्बास के ख़ानदान महफूज रहेंगे। ये फिर से आपको इल्तिजा है, मैं आपको डराना चौंकाना नहीं करूँ, आप लोग कर रहे ही होंगे, लेकिन और एहतियात और केयरफुल, क्योंकि आप ये क्रिटिकल लेवल पे आ गए, छोटे छोटे गलतियों से कुछ हो सकता, बस उसका एहतियात कर लीजिए। मैं आप लोगों से फिर विनती कर रहा हूँ, और ये वीडियो की जरा इधर उधर शेयर मत करिए, ये सिर्फ अपने लोगों के, खानदान वालों के लिए, प्लीज़ भाई भाइयों पूरी बात समझिए, घर के औरतों को चौंकाना, माइके के ट्रिपा, ससुराल के ट्रिपा, नानी कहने दाद कुछ नहीं, बस इधर ही अगले 2 से 3 हफ्ते तक कुछ नहीं, जल्लाद बन के रहना आप लोग, ये बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से ये वायरस फैल रही, जिस तरीके से है, ऑक्सीजन के लिए बेड़ा नहीं है साहब, मैं क्या बोलूँ, पेशेंट अच्छा खासा सिर्फ ऑक्सीजन लगा जो ठीक है, तो उसके लिए बेड़ा नहीं। हमारे ख़ास दोस्त जो ऑस्ट्रेलिया में क्रिटिकल केयर का चीफ है, उसके वालिद साहब पिछले जुमेरात में एक दवाखाने से दूसरे दवाखाने में सिर्फ बेड ढूंढ लेते हुए इंतकाल हो गया उनका। दूसरे दोस्त जिनके घर में ऑक्सीजन रख लिए, मशीन रख ली, उनके वालिद आज कल रात को इंतकाल हो, बात समझ रहे आप, सेकेंडों में हो रहा है, ऐसा यूँ फैल रहा है, यूँ हो रहा है बुखार, खुदा के वास्ते एहतियात करिए, जितना हो सके चौकन्ना रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।